Welcome to Jigyasu online classes. In previous video of limits and derivative, we discussed about the definition of limits and some methods to find the limit of a function. In today's video, we are going to discuss how to apply those methods to find out the limits of a given function. So first question is, you have to find limit of a function f of x when x tends to 1, where function is defined as x square minus 1 when x is less than equal to 1 and minus x square minus 1 when x is greater than 1. ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब फंक्शन देखो लेस देन इज इक्वल टू 1 के लिए ये है और ग्रेटर देन 1 में चेंज हो गया है, देन वी ऑलवेज फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन when x tends to 1. And if LHL and RHL comes out to be equal, LHL and RHL comes out to be equal, then we say that the limit of the function exists. And if LHL and RHL are not equal, then the limit does not exist. Then, अब क्या करते हैं बच्चों, वो हम लोग LHL और RHL को लिखना किस तरह से है, प्रेजेंटेशन क्या होगा वो समझते हैं. तो देखो, LHL की बात करते हैं, when x tends to 1, left hand limit. So left hand limit का meaning लिखते हैं. Meaning का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है when x is tending towards 1 from left hand side, then where the value of the function is tending towards. X tends to 1 minus लिखते हैं. 1 minus का मतलब है if x is tending towards 1 from left hand side, तो x चाहे जितना भी पास आ जाए, जितना भी close आए 1 के, 1 से तो स्मॉलर रहेगा, तो x टेंड्स टू 1 माइनस. 1 माइनस का मतलब x इज टेंडिंग टुवर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो जितना भी क्लोज पहुंच जाए 1 से तो कम रहना है. तो 1 माइनस का मतलब है x इज लेस देन 1. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप तो लिख दिया आपने, सेकंड स्टेप टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन फंक्शन क्या है. वहां देखो लेस देन 1 के लिए फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, तो नेक्स्ट स्टेप होगा फंक्शन हमारा x square minus 1 when x tends to 1 minus. 1 minus का मतलब है x की value less than 1 रहनी है. By the, आपको तो nearest to 1 पहुंचाना है x को from the left hand side. तो x will be smaller than 1 by the amount h. h क्या है? Smallest positive real number. हम लोग क्या लिखते हैं फिर? वो x की value जो लेनी है, nearest to 1 लेनी है. तो हम लोग वो value क्या लेते हैं? 1 माइनस h. तो नेक्स्ट स्टेप में x की जगह में आपको लिखना है 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया. और जब ये h के टर्म्स में फंक्शन आ जाएगा, h के टर्म्स में आ जाएगा, तो आपको लिखना है h टेंड्स टू 0. h टेंड्स टू 0. लेट अस सिंपलीफाई दिस. इसको सिंपलीफाई करते हैं. इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा? h टेंड्स टू 0, ये a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1. सो फाइनली वी गेट दिस एज h स्क्वायर माइनस 2h और h टेंड्स टू 0. तो ये बच्चों, इफ h इज क्लोज टू 0 देन दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज टू व्हाट, ये तो 0 ही आएगा. तो क्या पता चला? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन कम्स आउट टू बी 0. लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ गई है. अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या है. राइट हैंड लिमिट अगर हमें पता करना है, फंक्शन पता है हमको, तो देखो RHL की बात करते हैं. RHL का मीनिंग क्या है? मीनिंग है लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड. x को 1 की तरफ लाना है राइट हैंड साइड से, क्लोज टू 1 पहुंचाना है. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 1, यहां पर 1 प्लस का मतलब है x विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो x तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा. दैट्स व्हाई वी राइट 1 प्लस. इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 1. अब फंक्शन देख लो. अब आपका फंक्शन क्या दिया था? फंक्शन डिफाइन करके दिया गया था कि दिस इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, देख लेते हैं. फंक्शन था x स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या था? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, और लेस देन 1 के लिए था
एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेस देन वन के लिए था एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, ऐसे दिया हुआ था बच्चों। तो ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन हमारा क्या गया, क्या गया मतलब क्या गिवन है, वो आपको दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स टेंस टू वन प्लस, वन प्लस मीन्स यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन, वो हम क्या लेते हैं वन प्लस एच, एच क्या है वो हमें पता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर नियरेस्ट टू जीरो, जीरो के जस्ट बाद जो भी नंबर है वी हैव डिनोटेड दैट एज एच। तो अब हमें वन प्लस का मतलब है एक्स की जगह में वन प्लस एच रख देना है, एक्स की जगह में वन प्लस एच रख देना है, और जब ये एच के टर्म्स में आ जाएगा तो हम लिखते हैं एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। इसके बाद बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा लिमिट माइनस वन माइनस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस वन, सो एच टेंस टू जीरो। अब बच्चों देखो इफ एच इज क्लोज टू जीरो देन दिस इज क्लोज टू व्हाट, जब एच जीरो के जीरो ही होने वाला है ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस टू। सो बच्चों यहां पर आर एच एल कम्स आउट टू बी माइनस टू, और एल एच एल कितना था, एल एच एल आपको पता चला था जीरो है, तो एल एच एल इसमें क्या था, एल एच एल जीरो है और आर एच एल आपका ये माइनस टू आ गया है, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो क्या लिखोगे therefore limit of the function when x tends to 1 does not exist, limit मिलेगी ही नहीं। तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्हाट आर द स्टेप्स यूज्ड, वो मैंने आपको बताया पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। तो आपको इस तरह से जो आपकी एनसीईआरटी बुक 11th क्लास में 13.1 एक्सरसाइज है उसमें दो तीन क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं सिमिलर प्रेजेंटेशन, वो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। नाउ यू कैन सॉल्व 13.1 का क्वेश्चन नंबर 24 मैंने अभी डिस्कस किया है, 23rd आपको अटेम्प्ट करना है, 23rd अटेम्प्ट करना है बच्चों। और इन केस कोई अगर दिक्कत होती है तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वहां से आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ लिमिट्स, मतलब कुछ और फंक्शंस के बारे में। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रखा है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने देखा होगा साइन के बारे में, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा आ जाता है इफ थीटा इज क्लोज टू जीरो। आप देख सकते हो अगर एग्जैक्टली जीरो है तो क्या है, साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो तो जीरो होता है। मतलब क्या है, जब थीटा जीरो है तो साइन की वैल्यू भी, साइन जीरो क्या है, जीरो। तो आप देखोगे पूरी टेबल अगर आप ध्यान से देखोगे साइन की, तो इफ थीटा इज क्लोज टू जीरो देन साइन थीटा किसके इक्वल आता है, वो थीटा के ही इक्वल आता है अप्रोक्सीमेटली, थीटा के ही इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से इस रिजल्ट को देखते हुए हम एक लिमिट का फॉर्मूला कंक्लूड करते हैं कि लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो है, थीटा टेंस टू जीरो है, जब थीटा क्लोज टू जीरो है तो साइन थीटा इज, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ही है, तो थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू वन। अब नाउ यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, अगर वो थीटा अपॉन साइन थीटा होता, अगर वो थीटा अपॉन साइन थीटा होता, थीटा टेंस टू जीरो, तब भी साइन थीटा हो जाता तो थीटा अपॉन थीटा वन, तब भी ये क्या आएगा, वन आएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। और बच्चों सिमिलर रिजल्ट टैन थीटा में भी है, टैन थीटा इज आल्सो इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली थीटा इफ थीटा इज क्लोज टू जीरो। तो आपका ये टैन थीटा में भी सेम रिजल्ट अप्लाई होगा, लिमिट ऑफ टैन थीटा अपॉन थीटा है थीटा टेंस टू जीरो तो भी ये वन होता है, अगर ये थीटा अपॉन टैन थीटा होता तो भी क्या आ जाता, ये वन ही होता। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं, लेट अस डिस्कस दोज क्वेश्चंस। तो यहां बच्चों अगर कोई आपसे पूछता है लिमिट ऑफ साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंस टू जीरो, तो अभी आपको क्या पता है, अभी आपको पता है साइन थीटा अपॉन थीटा, जो थीटा है ना वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए,
जो थीटा है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब तो ये लिमिट वन होती है। यहां पर थीटा तो हमारा 3x है और डिनोमिनेटर में x है, तो जो साइन का एंगल है वही आप डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लाने की कोशिश करो। तो हमें यहां पर 3x चाहिए, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए ये आएगा 3 से मैंने न्यूमरेटर को भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिनोमिनेटर को भी, तो क्या मिल जाएगा ये देखो, आपको एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में बताया गया है अगर कभी ऐसी सिचुएशन है लिमिट ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए, तो दिस इज इक्वल टू होता के इंटू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए, ये एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आपको बताया गया है। सो ये अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स है और एक्सटेंड्स टू ए है, तो दिस कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द लिमिट, आउट इन द लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 3 इनटू लिमिट साइन 3x अपॉन 3x और ये एक्सटेंड्स टू 0। अब देखो थीटा तो यहां 3x है, थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अब अगर x क्लोज टू 0 है तो 3x भी क्या आएगा, that will be also close to zero. तो ये sin theta upon theta, theta tends to zero की situation है, sin theta upon theta है, theta tends to zero, तो ये limit कितनी होती है, ये one होती है, तो क्या आ जाएगा 3 into 1, तो क्या मिल जाएगा 3। Direct question मिलता है बच्चों, sin 3x upon x, sin 2x upon x, sin 4x upon x, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कुछ और छोटे छोटे से क्वेश्चन देखते हैं जो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, आपकी बुक का क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी बुक, एक क्वेश्चन दिया गया, यू हैव टू फाइंड दिस लिमिट, लिमिट ऑफ साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स और एक्स टेंड्स टू 0। अब इस लिमिट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, आपको रिजल्ट क्या पता है, साइन थीटा अपॉन थीटा अगर है, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, तो वो लिमिट वन होती है। यहां अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, मैं क्या करने वाला हूं, ये बी तो कांस्टेंट है, वन अपॉन बी इज अ कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द लिमिट, तो ये आ जाएगा वन अपॉन बी लिमिट साइन ए एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0, ठीक है। साइन थीटा, जो थीटा है वही डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है, मुझे साइन, यहाँ थीटा तो ए एक्स है तो डिनोमिनेटर में ए एक्स चाहिए ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए इंटू साइन ए एक्स, ए से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को और ए से डिनोमिनेटर को, तो अब तो देखो ये कांस्टेंट को तो आप आउट फ्रॉम द लिमिट, लिमिट के बाहर ले सकते हो, ये क्या आ जाएगा a अपॉन b लिमिट sin ax अपॉन ax x टेंड्स टू 0, sin थीटा अपॉन थीटा, sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, 1 होता है, ये लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई, तो आंसर क्या आ गया, a अपॉन b आ गया। तो बच्चों ये बेसिक रिजल्ट पता था ना, sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अभी तो मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं, जो सिंपल सी डेफिनेशन को कैसे यूज करना है वो बताया जा रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस या कह सकते हैं कि हायर लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट ये जो बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक रिजल्ट्स हैं, ये पता होना चाहिए, अल्टीमेटली हमें यूज तो यही करना है। और कुछ टू अब तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है बच्चों, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करने हैं मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, एंड बाय यूजिंग दो शॉर्टकट्स आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारे आपको शॉर्टकट्स नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको बताए जाएंगे। तो अभी तो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मैंने 13th क्वेश्चन डिस्कस किया है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपकी बुक का वही एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी 11th क्लास, ये हमने डिस्कस किया है क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है आप पता करो लिमिट ऑफ साइन ए एक्स, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ये लिमिट पता करो और एक्स टेंड्स टू 0। तो बच्चों साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, वो भी 1 होता है, थीटा अपॉन साइन थीटा अगर है, थीटा टेंड्स टू 0, तो वो भी 1 होता है। और एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आपको बताया गया है
अगर f ऑफ x इंटू g ऑफ x है x टेंड्स टू a, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू होता है लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू a इंटू लिमिट ऑफ g ऑफ x x टेंड्स टू a। तो यहां देखो बच्चों, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा होता तो साइन थीटा अपॉन थीटा होता तो ये लिमिट वन हो जाती, तो थीटा यहां पर ए एक्स है तो मुझे तो डिनोमिनेटर में ax चाहिए। पहले क्या किया मैंने, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया और x से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, x से डिनोमिनेटर को किया, यहां तक तो ठीक है। मैंने क्या किया, x को x से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी x से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद अब देखो हमें यहां थीटा जो है वही न्यूमरेटर में क्वांटिटी बनानी, मतलब मुझे साइन थीटा अपॉन थीटा चाहिए, यहां ax चाहिए, तो ax लाने के लिए क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, a से किया डिनोमिनेटर। अब थीटा अपॉन साइन थीटा है तो भी लिमिट वन होती है, यहां पर bx है तो ऊपर bx बनाने के लिए मैंने क्या किया, b से मल्टीप्लाई किया और b से डिवाइड किया। अब बच्चों अगर आप यहां पर अलग अलग लिमिट, ये देखो इस लिमिट को देखो, साइन थीटा अपॉन थीटा वन हो गया, यहां देखो थीटा अपॉन साइन थीटा वन हो गया, तो बचेगा क्या, a अपॉन b। सो ये तो एक नंबर में वन मार्क के क्वेश्चंस हैं ये, और इनको आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये जो बेसिक रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं अभी मैंने वो डिस्कस किया, इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 लिया है हमने। और अब एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर, क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी क्लास 11, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या कहा गया है बच्चों, लिमिट ऑफ टैन 2x आपको पता करना है, लिमिट ऑफ टैन 2x अपॉन x माइनस पाई बाई टू और x टेंस टू पाई बाई टू, ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या पता है, tan थीटा अपॉन थीटा अगर है और थीटा टेंस टू जीरो है वो लिमिट वन होती है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इसको पहले मैं एक क्वांटिटी बना रहा हूं, थीटा लिख रहा हूं, लेट अस डिनोट x माइनस पाई बाई टू एज थीटा, मैंने x माइनस पाई बाई टू को एक सिंपल थीटा लिख, और अगर मैंने x माइनस पाई बाई टू को थीटा लिया तो देख सकते हो बच्चों जब x क्लोज टू पाई बाई टू होगा, जब x पाई बाई टू के पास पहुंचेगा तो थीटा कौन सी क्वांटिटी के पास पहुंचेगा, जीरो के पास। देखो x अगर मैं एग्जैक्टली पाई बाई टू ले लेता तो थीटा जीरो आ जाता, अब एग्जैक्टली पाई बाई टू x है नहीं, x इज टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू तो थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो जब x टेंड्स टूवर्ड्स पाई बाई टू है तो थीटा टेंड्स टू जीरो है, ये पता चल गया। अगर मैं x माइनस पाई बाई टू को थीटा से डिनोट करता हूं तो फिर फंक्शन हमारा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे देखना पड़ेगा ना थीटा टेंस टू व्हाट, तो जब x पाई बाई टू की x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू देन थीटा टेंस टू जीरो, ये पता चल गया। अब पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरे फंक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये टैन टू x को क्या लिखोगे, यहां x को क्या लिखोगे, I have denoted x minus pi by 2 as theta, तो x क्या होगा, यहीं से conclude कर लो, x क्या आ जाएगा, pi by 2 plus theta, x क्या हो जाएगा, pi by 2 plus theta, जहां पर x है वहां पर pi by 2 plus theta रख दो, जहां पर x है वहां पर pi by 2 plus theta रख दो, और ये x minus pi by 2 को मैंने theta ले रखा है, और ये now it converts in terms of theta, theta में convert हो गया है, तो आपको देखना है theta tends to थीटा टेंस टू तो जीरो है, आपने ये पहले कंक्लूड कर रखा है। अब क्या करना है बच्चों, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, लिमिट टैन और ब्रैकेट सिंपलीफाई टू मल्टीप्लाई करो तो आएगा पाई प्लस टू थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो। अब भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, टैन पाई प्लस टू थीटा क्या होगा, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, ए एस टी सी, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन हमारा पॉजिटिव होता है और पाई में चेंज नहीं होता, तो टैन पाई प्लस थीटा ये तो आपको सबको बताया गया है, सबको पता है क्या होगा, यहाँ पाई है, यहाँ थ्री पाई बाई टू है और ये टू पाई है, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, तो बच्चों tan पाई प्लस टू थीटा क्या होने वाला है,
tan 2 थीटा होने वाला है, तो ये क्या आ गया, लिमिट tan 2 थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो। अब जो एंगल है tan का वही डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं है तो कर देते हैं इसको 2 थीटा बनाना है, क्या करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा tan, देखो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर बन गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, फाइनली आंसर मिल गया 2। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो बेसिक रिजल्ट बताए गए हैं उनको यूज करना है तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, 17 क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी क्लास 11। ये क्या कहा गया है, ये बच्चों पता करना है लिमिट cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 और x टेंस टू है बच्चों 0, x टेंस टू, अगर अभी मैं x 0 रख देता हूं तो डिनोमिनेटर cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अभी नहीं रखना है, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो ये cos 2x, देखो cos 2 थीटा के फार्मूला आपको बताए गए, cos 2x का फार्मूला होता है एक होता है cos square x minus sin square x, एक होता है 1 minus 2 sin square x, एक होता है 2 cos square x minus 1। मैं क्या करने वाला हूं, cos में ही चेंज कर लेता हूं, तो cos 2x को लिखने वाला हूं 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1, minus 1 is there, और cos x minus 1 तो यहां as it is रहने दीजिए, x tends to 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर लेते हैं, ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1, 2 तो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया और उसको लिमिट के आउटसाइड लिख सकते हैं, अब आ गया cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos x माइनस 1 x टेंस टू 0। 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, तो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख देंगे, cos x स्क्वायर का मतलब cos x का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करो तो क्या मिल जाएगा, तो आपको फाइनली ये लिमिट मिल जाएगी, लिमिट cos x प्लस 1 इनटू cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, 2 तो रहेगा ही बच्चों, 2 तो पहले से ही है, 2 तो रहेगा, अब क्या जाएगा और x टेंड्स टू 0, cos x माइनस 1 और अपॉन cos x माइनस 1, x तो टेंड्स टूवर्ड्स 0 है, तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस 1 हो जाएगा, तो 2 इनटू लिमिट cos x प्लस 1 और x टेंड्स टू 0। अब बच्चों x अगर 0 के, अभी तक क्या था, अगर यहां रख देता तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता ना, अब तो ऐसी सिचुएशन है कि x की वैल्यू 0 रखने पर डिनोमिनेटर तो 1 है, अब तो x की वैल्यू 0 रख सकते हो, ये क्या जाएगा cos 0 हो जाएगा 1 1 + 1, तो फाइनली आंसर आ गया 4। तो ये जो बेसिक रिजल्ट्स हैं हम लोग उन्हीं को यूज कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन ऑफ द बुक। 18 क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप देखो यहां पर कहा गया है लिमिट x टेंस टू 0 ax plus x cos x अपॉन b sin x। तो बच्चों यहां पर अभी अगर x 0 रख दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अब हमें रिजल्ट पता है sin थीटा अपॉन थीटा, यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे sin थीटा अपॉन थीटा लाना है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी x, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड किया, तो क्या हो गया a प्लस, यहां पर x cos x अपॉन x हो जाएगा cos x अपॉन b sin x अपॉन x और x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू 0 तो ये 1 होता है, sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, x टेंड्स टू 0 cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन b। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया। इस तरीके से इन दिस वीडियो हमने डिस्कस कर लिया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स क्या होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ
these concepts, some shortcut methods to find the limit of the function. तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा कंटेंट मैं बता दूंगा और